हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में गोले और अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का अध्ययन किया था। अब चलिए इस वीडियो में हम गोले और अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखें। ये तो तुमने चांद और पृथ्वी के बहुत सुंदर मॉडल बनाए हैं। चांद और पृथ्वी दोनों गोलाकार है ना? हाँ थॉमस। लेकिन मानस, तुमने पृथ्वी का मॉडल बनाने के लिए अधिक मिट्टी का इस्तेमाल किया है या चांद के मॉडल के लिए? मैं नहीं जानता थॉमस, क्यों ना हम इसका उत्तर गणित के द्वारा ज्ञात कर ले। इसका मतलब ये गणित का समय है। देखो थॉमस, चांद और पृथ्वी दोनों के मॉडल खोखले गोले हैं। चांद के मॉडल की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और पृथ्वी के मॉडल की त्रिज्या 140 सेंटीमीटर है। मानस, मुझे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × π और r के वर्ग का गुणनफल है, जहां r गोले की त्रिज्या है। और क्योंकि ये दोनों मॉडल खोखले गोले हैं, इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मिट्टी की मात्रा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगी। चलो, मैं इस सूत्र में पहले r की जगह चांद के मॉडल की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर को लिखकर इस तरह हल कर लेता हूँ। मानस, चांद के मॉडल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 15,400 वर्ग सेंटीमीटर है। अब मेरी बारी। मैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में पृथ्वी के मॉडल की त्रिज्या 140 सेंटीमीटर लिखकर इसे इस तरह से हल कर लेता हूँ। देखो थॉमस, पृथ्वी के मॉडल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 246,400 वर्ग सेंटीमीटर है। पृथ्वी के मॉडल में इस्तेमाल हुई मिट्टी तो चांद के मॉडल से कई गुना ज्यादा है। और क्या तुम एक और मजेदार बात जानते हो? यदि हम इस तरह से चांद के मॉडल में इस्तेमाल हुई मिट्टी और पृथ्वी के मॉडल में इस्तेमाल हुई मिट्टी का अनुपात इस तरह से ज्ञात करें, तो तुम देख सकते हो कि इसका अनुपात 1/16 है। और वास्तव में भी चांद और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी 1/16 ही है। क्यों है ना ये मजेदार? ये तो सच में बहुत रोचक है। चलो, अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले, फिर तुम मुझे चांद और पृथ्वी के बारे में और भी जानकारी बताना। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे।